तो हेलो भाई लोग, कैसे हाल हैं आप सबके। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में और एक और नए डिज़ाइन के साथ। दोस्तों, आज का डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा डिज़ाइन होने वाला है। कंघी वाला डिज़ाइन इसको बोलते हैं, कंघी वाला डिज़ाइन भी बनाया है मैंने। और ये हमने दोस्तों वॉल पुट्टी में ही हमने ऑक्साइड डाल दी येलो साइड, और फिर ये सब कलर बन गया। तो हमें फिर बाद में कलर करने की ज़रूरत नहीं है, और ना फिर इसके ऊपर हम गोल्डन कलर भी कर सकते हैं। गोल्डन कलर भी अच्छा लगता है। हमने पहले ही इसमें कलर बना लिया था, हमें बाद में करने की ज़रूरत नहीं है, और काफ़ी अच्छा लग भी रहा है ये कलर। और इसको ज़्यादा वही नॉर्मल सी इसको चढ़ानी है दीवार के ऊपर, ताकि कंघी के अंदर आराम से आ जाए। ना ज़्यादा मोटी चढ़ानी है और ना ज़्यादा पतली। तो दोस्तों, हमारी पुट्टी अप्लाई हो चुकी है, और अब कंघी उठाएंगे और कंघी से डिज़ाइन बनाएंगे बस। बाकी दोस्तों, आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। बस आप लोगों से यही गुजारिश है और यही शिकायत है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और अब देखो कितना प्यारा डिज़ाइन बनता है। ये डिज़ाइन हालांकि आपने पहले भी देखा होगा, कोई मैं नया तो नहीं बना रहा, लेकिन मैं उन भाइयों को जरूर दिखाऊंगा जिन्होंने नहीं बनाया डिज़ाइन, जिनको बनाना नहीं आता। तो भाई मैं आपको बता दूँ, ये डिज़ाइन बनाने के लिए आपको सबसे पहले वॉल पुट्टी करनी है। एक कर लो, दो कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डबल पुट्टी कर लोगे तो बेहतर रहेगा, वरना एक पे भी काम चल जाएगा। और उसके ऊपर फिर रेग मार लगा के आप वाटर प्राइमर या ऑयल प्राइमर जो भी करना चाहो वो कर लो, ताकि उससे फिर चूज नहीं होती और ये डिज़ाइन सोखता नहीं, मतलब पुट्टी चूज नहीं करती फिर, और अच्छे से गंद भी जाता है डिज़ाइन। आप अच्छे से बिल्कुल, चाहे भले से आपको प्राइमर के भी दो कोट मारने पड़े, आप बिल्कुल अच्छे से प्राइमर करें। पुट्टी भले से आप एक ही करो, लेकिन प्राइमर दो करनी ही करनी है आपको। और फिर उसके बाद आराम से आप पुट्टी अप्लाई करो, पुट्टी सूखेगी भी नहीं और डिज़ाइन भी बहुत प्यारा। आप हालांकि इसमें 10 मिनट तक का गैप दे सकते हो, 10 मिनट तक के भी नहीं, 10 मिनट छोड़ो, आप अगर ऑयल प्राइमर यूज़ करते हो तो आप इसमें 1 घंटा भी लेट कर सकते हो, तभी भी नहीं सूखेगी। हमारा ये पूरा एक बार में नहीं बना सकता हूँ, कोई भी आपको भी पता ही है कि बड़ी दीवार हो तो एक बार में पूरा नहीं बना सकता, तो इसी हमने आधे आधे में बनता ही है। कोई भी बनाएगा तो आधा आधा ही बनाएगा, पूरा शायद ही कोई बना पाएगा एक बार। पर फिर भी अगर दोस्तों आपको ये लग रहा है कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो सॉरी भाई, दिल से मांगना होगा अगर कुछ गलत लगा हो तो भाई। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आएगा। कमेंट बॉक्स आप लोगों ने खुला है,
आप जो चाहे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।